अहमदाबाद तक हम आपको रेल से इंडिया को दिखाएंगे। पहले से सुविधाएं बेहतर हुई है, लेकिन कुछ चीजें और हो जाएं, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और जो सबसे बड़ी बात है कि जनरल डिब्बे अगर बढ़ा दिए जाएं तो भीड़ नियंत्रित हो सकती है, तब इनका सफर थोड़ा और आसान हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश कुमार और आप सबका स्वागत हमारी इस खास यात्रा में, रेल से देखो इंडिया। जी हाँ, दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक 1089 किलोमीटर हम आपको रेल से दिखाएंगे। इस बीच में 5 राज्य पड़ेंगे और कई प्रसिद्ध शहर और पर्यटन स्थल भी पड़ेंगे, जिससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर और आपको रूबरू करवाते हैं इन शहरों से, इन राज्यों से, यानी कि दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक। ट्रेन चल चुकी है और दिल्ली पीछे छूट गई है। अब अगला स्टॉपेज जो आएगा वो दिल्ली से अलग दूसरे राज्य में आएगा। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ट्रेन की यात्रा होती है वो एक अलग दुनिया होती है, क्योंकि उसमें हर तरह के लोग होते हैं, साथ में यात्रा करते हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनका सफ़र कितना आसान है अगर ये दिल्ली से मथुरा, कोटा, मध्य प्रदेश यानी रतलाम या गुजरात तक पहुँचते हैं तो किस तरह की सुविधाओं की मांग करते हैं, कितनी इनको सुविधा मिली, कितना आसान हुआ है इनका सफ़र। आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितना सर? हम अहमदाबाद जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। अब देखेंगे आगे को कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है, कि कितनी भीड़ चढ़ती है आगे मथुरा से, अब आगे पता चलेगा। अच्छा, आप पहली बार ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तब तो आपके लिए बड़ा कौतूहल का विषय होगा ट्रेन। जी, बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं ट्रेन तक, और बच्चे साथ हैं, बड़ी परेशानी के साथ चढ़े हैं। आप कहाँ तक जाएंगे? जी, मैं कोटा तक जाना है मुझे। कोटा तक? हाँ हाँ। आप इस गाड़ी से सफ़र करते हैं अक्सर? नहीं नहीं, मैं करता नहीं हूँ, मेरा अचानक प्रोग्राम बना है, मुझे अचानक जाना पड़ा है, इसके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज तो भीड़ कम है, एक बार पहले भी गया तो बहुत भीड़ थी, और इसमें सबसे बड़ी परेशानी मुझे, मैं ये टाइम टेबल आपके सामने लेकर के बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सामान्य यात्री हैं अभी तक तो ठीक बैठे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इनकी बीड़ी सिगरेट, सबसे ज़्यादा परेशानी इस कंपार्टमेंट में ये होती है जनरल में कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। और मेरा एक निवेदन है रेलवे से कि रेलवे सुरक्षा बल वगैरह की ये यहाँ से यदि हमें हेल्प मिल जाए करें, तो मैं हेल्पलाइन वगैरह देख रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के बाद ये सब शुरू हो जाएगा, उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बस ये मेरा निवेदन है कि ये बात मेरी वहाँ तक पहुँचा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। यात्रियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। एक बार और मैं कैमरामैन राहुल से कहूँगा कि कैसे लोग अपने लिए व्यवस्थाएं बना लेते हैं, जैसे ये लोग बच्चे को लेकर सफ़र कर रहे हैं और बच्चा आराम से सो सके और इस भीड़ में किसी और को भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए साड़ी से उसका पालना बना दिया गया है, झूला बना दिया गया है इसमें डाल के, और ताकि आराम से बच्चा वहाँ तक चला जाए। ये भी एक अच्छा तरीका है, ताकि ना बच्चे को दिक्कत होगी ना लोगों को दिक्कत होगी, और वो आराम से पहुँच जाएगा। हम आपको आगे लेके चलते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में, और उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो लोग जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करते हैं, जो स्लीपर में नहीं जा पाते, चाहे जिस भी वजह से, पैसे ना हो या फिर वो टिकट नहीं ले पाते हैं, उनको क्या चाहिए जनरल कंपार्टमेंट के लिए और कैसे उनकी यात्रा और बेहतर हो सकती है? ये ट्रेन सिर्फ सफ़र करने के लिए नहीं है, बल्कि जब आदमी इसमें सफ़र करता है तो उसको घर जैसा समझ लेता है। अब जैसे कि जिसको खाना पीना है वो सफ़र के साथ खाता पीता भी आप देखेंगे कि यहाँ कुछ लोग हैं सफ़र कर रहे हैं, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है अगर भूख लगी तो खाना लेके आए तो उसको खाते हैं, या फिर बाहर से मांगा खाते हैं। लेकिन जनरल कंपार्टमेंट में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो घर से खाना लेके आते हैं उसको ही खाते हैं। आप देखेंगे उनके सामान हैं, खाने पीने के सामान वहाँ पर रखे हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये कहाँ तक जा रहे हैं। आप भी कहाँ, गुजरात जा रही हैं या इधर? जी, गुजरात जा रहे हैं। अक्सर सफ़र करती हैं इस गाड़ी से? हाँ, सफ़र करते हैं। कितनी दिक्कत होती है अगर हम जनरल कंपार्टमेंट की बात करें, और आखिर आप इससे क्यों जाती हैं, क्या टिकट नहीं मिल पाता है या कोई और वजह? टिकट नहीं मिल पाता है ना, इसकी वजह से हम जनरल में जाना पड़ता है। आप एक महिला हैं, सुरक्षा की बात कही जाती है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या कभी पुलिस के लोग आते हैं या कोई पूछने के लिए आते हैं? आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। पहले से रेल की सुविधा बेहतर हुई है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत बेहतर हुई है। जैसे? जैसे कि भी साफ सफाई होती है जनरल में, वैसे थोड़ी बहुत तो सुविधा रहती है, पुलिस वाले आते ही है जो देख रेख।
यानी कि ये एक अच्छी चीज हुई है कि पुलिस के लोग अब यहाँ आते हैं सुरक्षित। आप कहाँ जा रही हैं? गुजरात जा रहे हैं। गुजरात जा रहे हैं, क्या करती हैं वहाँ पर? स्टडी करती हैं। स्टडी करती हैं। हाँ। कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं जब आप ट्रेन से सफर करती हैं? क्या पुलिस के लोग आते हैं या लेडीज पुलिस आती है कंपार्टमेंट में? लेडीज पुलिस तो कभी देखी नहीं है हमने, जनरल डब्बे में ज्यादा सफर किया नहीं है कभी। अभी टिकट नहीं मिल रही इसलिए यहाँ जाते हैं। अच्छा, आप स्लीपर से सफर करती हैं? हाँ, नहीं रिजर्वेशन में करते हैं लेकिन टिकट नहीं मिलती इसलिए। अच्छा, तो जब आप स्लीपर से सफर करती हैं, रिजर्वेशन से सफर करती हैं, अब जनरल कंपार्टमेंट में जा रही हैं, कितना अलग लग रहा है आपको दोनों का सफर? वहाँ तो बैठने के लिए सब कुछ आराम से, कुछ ही लोग होते हैं, और यहाँ? यहाँ पे बैठने की दिक्कत होती है थोड़ी सी, और जेंट्स को समझना चाहिए लेडीज को जगह देनी चाहिए, आगे जाके बहुत भीड़ हो जाती है, समझते नहीं है लोग, लड़ाइयाँ बहुत करते हैं, इसलिए जनरल डब्बे ज्यादा होने चाहिए थोड़े से। ये एक बड़ा सवाल है कि जनरल डिब्बा कम होता है और लोग ज़्यादा होते हैं, और जो लोग बैठते हैं अगर वो समझदार हों तो सफ़र आसान हो जाता है, लेकिन अगर कहीं वो मुश्किल खड़ी करते हैं और आपस में लड़ते बढ़ते हैं तो जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल से करता है, जैसा इन लोगों का कहना है। और एक बड़ी चीज़ की सुरक्षा के जवान तो आते हैं लेकिन इतना नहीं कि ये अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर पाएँ। सफ़र करते हैं तो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आपको लगता है कि पहले से सुविधा बेहतर हुई है? और बहुत हमें हम तो आज बेचैन में बैठे हैं, सीट ना मिल रही है, नहीं पहले तो बहुत भीड़ रही है, बच्चों बैठा ले बैठा ले। हाँ, अब भीड़ में तो सफ़र अच्छा लगता ही ना, भीड़ कम हो जाए तो अच्छा लगे। हम तो अब भी परेशान से बैठे हैं। हाँ, अच्छा आप इसी से सफ़र करती हैं या रिजर्वेशन से भी जाती हैं? नहीं, इसी से जाते हैं हम तो, लोकल से जाते हैं तो बच्चों के लिए कम से कम ऊपर की सीट मिल जाती है, लेटते हुए आराम से जाते हैं। लड़कियाँ बैठी हैं, ये जवान लड़की अब नहीं बैठी जाएंगी इतने लंबे सफर में। अच्छा, क्या लगता है कि और कौन सी चीजें कर दिया जाए कि इसमें जनरल में सफर और आसान हो जाएगा आप लोगों का? आराम से पानी वगैरह, खाना वगैरह इसमें भी पहुंच जाता है? हाँ, मिल जाता है इसमें पानी। पानी वानी की परेशानी रहे, बहुत परेशानी। 20 रुपए खरीद लिए, नहीं मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, बढ़ा दिया जाए इनमें। क्या लगता है कि आप लोगों को कौन सी और ज़रूरत है? सर, सफ़र में जनरल कंपार्टमेंट जो है सर, 2-3 डिब्बे लगे रहते हैं, और जनरल में सफ़र करने वाले टोटल यदि ट्रेन का एवरेज निकाला जाए तो उसमें मैक्सिमम जनरल में सफ़र करने वाले यात्री होते हैं, और भीड़ की वजह से प्रॉब्लम आता है पानी के लिए, खाने के लिए, लोगों को सफ़र करने में बैठने के लिए सुविधाजनक नहीं होता है कि लोग अपना टॉयलेट बाथरूम जा सकें। ठीक है सर, तो इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर ट्रेनों में जनरल बोगियाँ यदि बढ़ा दी जाए तो सारी व्यवस्थाएँ सुपर हो सकती हैं। आप कुछ कह रही थी पानी और खाने में? तो यही कह रही कि खाना और पानी जहाँ मिलने लगा तो बहुत सुधा हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, परेशानी ना उठानी पड़ेगी। अब एक बोतल 20 रुपये खरीदी है 1 लीटर वाली, तो नहीं मिलने लगा तो बहुत बेहतर है, बढ़िया। यानी कि जो लोग सफ़र करते हैं जनरल से उनका भी ये मानना है कि पहले से सुविधाएं बेहतर हुई हैं लेकिन कुछ चीज़ें और हो जाएं, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और जो सबसे बड़ी बात है कि जनरल डिब्बे अगर बढ़ा दिए जाएं तो भीड़ नियंत्रित हो सकती है, तब इनका सफ़र थोड़ा और आसान हो जाएगा। जनरल कंपार्टमेंट में खाने पीने की भी बड़ी समस्या होती है, और फिलहाल हमारे साथ एक वेंडर हैं जो यहाँ पर चाय बेच रहे हैं, जरा इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? अजय। अजय, कहाँ तक चलते हैं आप? हम निजामुद्दीन से जो है अहमदाबाद तक चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जनरल कंपार्टमेंट में जब आगे भीड़ हो जाती है जैसा कि लोग बता रहे थे, तो इनके तक खाना पीना चाय पानी आराम से पहुंच पाता है? पहुंच जाता है सर, हम लोग पहुंचा देते हैं। ये लोग कह रहे थे कि मुश्किल होती है। नहीं, ऐसा नहीं, जब गाड़ी भरी होगी तो साहब नहीं भी पहुँचवाएगा, और गाड़ी अगर बराबर से होगी तो पहुँचा देते हैं हम लोग। अच्छा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, चोरी चवाड़ी हो गई, गिर गया, तो हम उसको अपनी तरफ से खाना और पानी चाय सब फ्री कर देते हैं, जो श्रद्धा होती है वो उसकी जो है श्रद्धा कर देते हैं। अजय की भी माने तो अगर गाड़ी भर जाती है तब खाना पानी पहुंचाना लोगों तक थोड़ा मुश्किल होता है, वरना ये पूरी कोशिश करते हैं कि जनरल कंपार्टमेंट तक भी चाय पानी पहुंच जाए। इस समय हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश का मथुरा जंक्शन है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जनरल कोच में अब मारा मारी मची है, लेकिन उससे पहले हम आपको मथुरा के बारे में बताएंगे कि मथुरा उत्तर प्रदेश प्रांत का एक जिला है। मथुरा एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। एक लंबे समय से मथुरा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र भी रहा है। भारतीय धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के निर्माण तथा विकास में मथुरा का महत्वपूर्ण योगदान सदा से रहा है।
जनरल दिखाया और अब हम रिजर्वेशन में हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि ट्रेन कितनी आगे बढ़ी है। जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे, इस बार जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि हैंडीकेप को, हमेशा हैंडीकेप पर्सन को, बिकॉज आई एम ए हैंडीकेप, मैं एक हैंडीकेप पर्सन हूँ, हैंडीकेप को हमेशा रिजर्वेशन जो है काउंटर पे जाके कराना पड़ता था और स्वयं जाके कराना पड़ता था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार हटा दिया है और नेट से अब हैंडीकेप रिजर्वेशन करा सकता है। ये काफ़ी अच्छी सुविधा है इसको, मतलब आप ये मानते हैं कुछ पॉजिटिव बताओ? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज यही है, क्योंकि इटसेल्फ हैंडीकेप, मुझे पता है कितनी असुविधा होती है वहाँ जाके, जो व्हील चेयर पर चल रहा है वो तो एटलीस्ट काउंटर पर पहुँच ही नहीं पाता है, उसको तो बड़ी समस्या आ जाती है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिला है कि वो नेट पे बैठ के अपना टिकट करा पा रहा है। सफ़र और ट्रेन की अगर वास्तविक स्थिति जाननी है तो उन लोगों के पास जाना होगा जो सफ़र करते हैं। यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे हैं उन लोगों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं। यहाँ दोनों तरह की बात देखने को मिली, कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेन अपग्रेड हुई है, सिस्टम अपग्रेड हुआ है और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्थिति पहले जैसी ही है। आइए हम जानते हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे सिक्योरिटी के लेवल पे पहले से क्या स्थिति बेहतर हुई है या नहीं हुई है या और बेहतर करने की ज़रूरत है? और बेहतर करने की ज़रूरत है। रात को एक्चुअली ये ट्रेन रात को चलती है ना, तो सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब चोर और वगैरह ऐसे अंदर आ जाते हैं और कोई भी किसी का भी कोई भी कीमती चीज़ ऐसे ले जाए तो वो सबके लिए अच्छा नहीं है। मथुरा से गुजरात के बीच में आप लोगों को सफ़र करने के लिए ट्रेन ईजिली मिल जाती है, सीट मिल जाती है या आपको और ज़रूरत है? नहीं, सीट मिलती नहीं, जब हम लोग चढ़े तब भी इतनी गर्दी हुई थी, ताकि टाइम थोड़ा और मिलना चाहिए कि सब सारे पैसेंजर्स चढ़ सके, तब भी यही हालत, शायद एक्सीडेंट भी हो सकता है इसमें, इसके लिए वो चीज़ भी प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी, मैनेजमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। मथुरा से आ रहे हैं आप लोग, अक्सर गुजरात से यहाँ धर्म कर्म के उसमें आते रहते हैं, कितना ईजी सफ़र होता है आप लोगों का गुजरात से उत्तर प्रदेश मथुरा, या फिर हम दिल्ली की बात करें? हम अहमदाबाद से आते हैं, अहमदाबाद से मथुरा जाने के लिए, दर्शन करने के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया में बढ़िया गाड़ी है, लेकिन हर रोज़ आए और जाने की हर रोज़ होए तो उसमें पैसेंजर और यात्री को सबसे ज़्यादा में ज़्यादा सुविधा मिले, ऐसा कुछ करना चाहिए आपको। पहले से क्या लगता है, रेलवे अपडेट हुआ है या? पहले से रेलवे तो काम बहुत बढ़िया है, हमारे को मैसेज भी मिल जाता है कि आपकी टिकट कन्फर्म हो गई है, ये सब पहले से सबसे ज़्यादा में ज़्यादा है। जितनी भी महिलाएं हैं कंपार्टमेंट में, उनका ये कहना है कि सिक्योरिटी के लेवल पे कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जब रात में वो सफ़र करती हैं या फिर वो अकेले सफ़र करने के लिए सोचें तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। ये बात ज़रूर है कि रेलवे पहले से अपडेट हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए अभी नहीं। फिलहाल हम कोटा जंक्शन पे खड़े हैं, पीछे हमारी ट्रेन खड़ी है जो थोड़ी ही देर में यहाँ से मूव कर जाएगी। अब हम किचन के अंदर हैं और ये उसके अंदर का नज़ारा है। इस ट्रेन के अंदर ये जो किचन बना है, इसकी सबसे खास बात है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ कई सौ लोगों का खाना बनता है, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है। आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे चार चूल्हों का ये स्टैंड है, एक में दो चूल्हे। आप देखेंगे कि यहाँ पराठा सेका जा रहा है और कढ़ाई भी, अगर किसी को पूरी चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था है। उसके साथ ही आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बेलने की व्यवस्था है, यहाँ पे पराठा और इनकी रफ्तार देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि कितने तेज़ी से ये लोग काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं। और हम आपको अभी ये भी बात कराएंगे कि क्या क्या दिया जाता है, कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है। उसके साथ दिखाएंगे कि दो बड़े ड्रम रखे हुए हैं फायर से निपटने के लिए, यहाँ पे ये गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, और आप देखेंगे कि एक वॉश बेसिन बना हुआ है, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से, यहाँ पे एक कूड़ादान भी रखा हुआ है ताकि जो चीज़ें हों वो डस्टबिन में डाल दिया जाए। ये देखेंगे कि यहाँ पे बर्तन साफ़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी आपको। हमारे साथ मदनलाल जी हैं, इनसे जानते हैं इस किचन में क्या क्या बनता है। वेज खाना बनता है सर। अच्छा, क्या क्या खास डिश है आपकी डिश? हमारा 50 रुपीज का खाना है सादा, विद मटर पनीर के साथ, यदि पैसेंजर की डिमांड है तो मटर पनीर साथ देते हैं, पूरी सब्जी भी देते हैं, समोसे। अच्छा। स्नैक्स में कटलेट, वेजिटेबल, ब्रेड बटर, चाय, नाश्ता सब बनता है। ये 24 आवर किचन चलता रहता है जब तक ट्रेन चलती है? नहीं 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 जी।
गाड़ी चलने के बाद वहाँ निजामुद्दीन से चलिए, 9:30 बजे सर्विस हमारी ऑफ हो जाएगी, सरसठ बंद हो जाएगा। अच्छा जी, 9 बजे तक सर्विस सर। कितने बजे से खाना बनता है और कब सप्लाई किया जाता है? खाना सर हम 4:30 बजे शुरू करते हैं बनाना। अच्छा जी, और 8:30 तक कोच में निकाल देते हैं सर। अच्छा जी, 9 बजे तक हमारा वेटर कैश कनेक्शन करके अपने पेंट्री कार में आ जाता है, बंद क्लोज हो जाता है। खाना वाना हम लोग खाते हैं, यहीं जो बनता है वही हम लोग भी खाते हैं। 9 बज चुके हैं और इस समय हम जनरल के बाद स्लीपर और स्लीपर के बाद एसी क्लास में हैं। और आपको बता दें कि कहा जाता है कि एसी क्लास में सबसे क्रीम के लोग सफ़र करते हैं। जरा इनकी भी राय जान लेते हैं। 1853 से भारतीय रेल चल रही है और अभी करीब 7,000 रेलवे स्टेशन हैं, 12,000 ट्रेन पर डे चल रही हैं। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट तो हुआ है, डे बाई डे हो रहा है, लेकिन फिर भी आज भी कंपेरिजन करें अपन विदेशों से तो भारतीय रेल की विकास में अभी बहुत और संभावना है, गुंजाइश है, कहीं कुछ कमियाँ हैं। जैसे स्टेशन, रेलवे, ये सारी साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है, उसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएँ जिससे कि विकास हो सके। जैसे एयरपोर्ट हम जा रहे हैं तो रिश्तेदारों को और मित्रों को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है, यदि कुछ हद तक इसको रेस्ट्रिक्टेड किया जाए, मेन गेट पर एंट्री यदि रोकी जाए और पैसेंजर्स को ही अंदर जाने दिया जाए तो काफ़ी कुछ सुरक्षित हो जाएगा प्लेटफॉर्म, और सुंदर भी दिखेगा और मतलब स्वच्छ भी होगा, अननेसेसरीली वहाँ पर गंदगी नहीं होगी। सीनियर सिटीजन को ही उनके साथ एक जने को अलाउ किया जा सकता है। साफ़ सफाई की बात करें तो मुझे पहले से तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक लगता है, कुछ ऐसे जैसे अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिलती है, तो क्या ये नहीं लगता कि आम जन जो लोग सफ़र करते हैं उनकी भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली उनकी भागीदारी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेलवे कितना भी अच्छा कर ले, उन्होंने करके छोड़ दिया। अब जो पैसेंजर यहाँ यात्रा कर रहे हैं, अगर वो बराबर मतलब जो भी अगर अपना कचरा कूड़ा डिस्पोज नहीं करते हैं, ठीक है, या अगर वो लेड बाथ यूज़ करते हैं, एंड इफ़ दे डोंट कीप मतलब क्लीनलीनेस आउट देयर, तो कुछ भी रेलवे कितना भी कर ले कुछ भी नहीं होने वाला। रात के 10 बज चुके हैं और आपको बताएं कि सभी लोग खा के अपने अपनी बर्थ पे सोने जा चुके हैं, अब बारी खाने की हमारी है। जिन लोगों से हमने बात किया उन्होंने इस गुजरात संपर्क क्रांति के पेंट्री की बहुत तारीफ की, इसके खाने की बहुत तारीफ की। खाना हमारे सामने भी है, अब हम भी देखते हैं। खैर, हमें तो रोटियाँ बहुत गर्म मिली हैं क्योंकि हम सीधे इधर ही चले आए। और सब्जी की अगर बात करें तो पनीर है, मटर है और सूखी सब्जी है, बहुत ही अच्छी दिखने में लग रही है, खा के देखते हैं। वाकई खाना बहुत बढ़िया है। हमने आपको दिखाई थी कि कैसे ये जो पेंट्री है वो कितनी साफ़ सुथरी है, जितनी साफ़ सुथरी इस गाड़ी की पेंट्री कार है उतना ही अच्छा ये खाना है। हमें सलाद थोड़ा ज़्यादा मिल गया है, लेकिन जो लोग सफ़र करते हैं जिनके पास थाली जाती है उनको भी आज यही खाना सप्लाई किया गया था, उनको भी सलाद था। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था, ये अचार जो पैकिंग है, नमक है, ये सारी चीज़ें उनको भी दी गई थी। कुल मिला के अगर बात करें यहाँ तक के सफ़र की, तो लोगों से मिली जुली प्रतिक्रिया हमको देखने को मिली। सबकी शिकायतें भी थीं लेकिन सबके सुझाव भी थे, और एक चीज़ मानने के लिए हर कोई तैयार था कि पिछले कुछ दिनों में रेलवे ने तरक्की की है, चीज़ें बदली हैं। अब हम आपको अपने सफ़र में आगे ले चलेंगे, लोग सो चुके होंगे लेकिन हम आपको रात में दिखाएंगे कि कैसे कहाँ गोधरा क्या है, वडोदरा क्या है और अहमदाबाद तक का सफ़र हम कैसे करते हैं। रेल के सफ़र में कई लोगों से बात की, किसी की शिकायत थी तो किसी का सुझाव था, लेकिन कुछ ऐसे रेलवे के कर्मचारी भी हैं जिनका दर्द है जो नहीं कोई सुनता। फिलहाल हमारे साथ ये सारे लोग इस एसी कोच के अटेंडेंट हैं जिनका अपना एक दर्द है। सर, ऐसी बात रहती है कि एसी कोच में क्या है सर, हम लोगों का एक टॉवल का 35 रुपये कटता है सर, और एक चादर का 175 रुपये कटता है, और एक ब्लैंकेट का 365 रुपये कटता है सर। ऐसा होता है कि उससे टॉवल दे देते हैं, उससे भी उसी से ही उसको यूज करने के बाद जूता पोंछते हैं, पैर पोंछते हैं, सब कुछ पैक करते हैं जो। और बहुत से ऐसे आते हैं सर एसी में टॉवल करने वाले जो कि टॉवल का बेडशीट अपने साथ में भी लेके जाते हैं। और सर ऐसे से लोग होते हैं ना सर, अपने बड़े बड़े आदमी, इनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। और हम लोगों का पेमेंट ही क्या रहता है, हमको
महीने का यही 5-6 हज़ार रुपये मिलता है, उसमें हमारी शॉर्टेज इतनी लग जाती है कि उसका फिनेक्स बराबर हो जाता है, वैसे यही महीने का 2-3 हज़ार रुपये बचता है। यानी कि आप सोचिए कि एक तरफ से 300, एक तरफ से 300 और चला गया तो 170 रुपया एक बार में चला गया। अगर दोनों तरफ से लोग लेके चले गए दो चादर, यानी कि एक तरफ से 170 और एक तरफ से 170। लोग ये कहते हैं कि यार आप साबुन वगैरह नहीं रखते हो, ऐसा भी है क्या? सर जी, लिक्विड का फिलहाल तो मेरा काम नहीं है। लिक्विड जहाँ ये वॉशिंग लाइन में जाती है वहाँ पे रखा जाता है, उसमें डाला जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो आते हैं कहते हैं हम किसी से कहलवा के डलवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लिक्विड का मेरा काम नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन लिक्विड ख़त्म कैसे हो जाता है ये क्या? लिक्विड सर जी बच्चे जो हैं छोटे बच्चे या अपने नीचे कर देते हैं, वो अपने आप गिर जाता है। वो सोचते हैं कि थोड़ा निकलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, लेकिन वो सारा गिर जाता है नीचे, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। यानी कि लोग सफ़र तो करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और सही से इस्तेमाल नहीं करते तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं, उसका हर्जाना इन लोगों को भरना पड़ता है। इस वजह से भी कई बार छोटी चीज़ें जैसे कि नैपकिन यानी कि टॉवल जैसी चीज़ें वो नहीं देते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अब हम मध्य प्रदेश में पहुंच चुके हैं और ये मध्य प्रदेश का रतलाम जिला है जो जंक्शन भी है। और ये इसलिए भी विशेष है कि रतलाम जंक्शन से आप अजमेर और खंडवा के लिए रेलगाड़ी बदलते हैं। इस जंक्शन पे दूसरी तरफ रेक उतरी हुई है जो सीमेंट की रेक है। व्यावसायिक दृष्टि से भी ये शहर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही जो लोग मध्य प्रदेश घूमने आते हैं वो भी यहाँ से अपना ट्रेन बदल सकते हैं या फिर यहाँ ट्रेन छोड़ के मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में आसानी से पहुंच सकते हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं अब अहमदाबाद में। 1089 किलोमीटर का हमारा सफ़र पूरा हो चुका है जिसके बीच में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद अब गुजरात, और ये गुजरात का अहमदाबाद स्टेशन है। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गुजरात संपर्क क्रांति के पहुँचते ही यहाँ पर किस तरह की भीड़ लगी है। और अगर हम अहमदाबाद के बारे में ज़रा सा आपको बताएँ, इसके इतिहास में बताएँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है चाहे हम शिक्षा के दृष्टि से देखें, क्योंकि यहाँ पे IIM अहमदाबाद है और साथ में गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है ये। हमारा सफर अब खत्म हुआ दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक का। इस समय हम अहमदाबाद जंक्शन पर खड़े हैं। हमने आपको रेल भी दिखाया और रेल में सफ़र करने वाले इंडिया के लोगों को भी। जब हमने उनसे बात की तो लोगों का कहना था कि बजट से पहले वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सरकार सुने और बजट में शामिल करे, क्योंकि वो पैसा तो देना चाहते हैं बदले में उनको सुविधाएँ चाहिए। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों में इंडिया बहुत बदली है, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे तो बहुत कुछ और भी बदल सकता है। नमस्कार।